हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल। तो जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल के अंतर्गत देखते हैं आज झारखंड दारोगा सेट 18 में झारखंड जीके से पूछे गए सवाल, जो जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी के अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप एक प्रैक्टिस सेट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि जेएसएससी में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेट 18 झारखंड जीके। सेट 18 झारखंड जीके से पहला सवाल पूछा था, झारखंड के वर्तमान नहीं होगा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को किस साल पहली बार बिहार विधानसभा का सदस्य चुना गया था। तो रघुवर दास बिहार विधानसभा का सदस्य किस वर्ष पहली बार बने थे, 1995 में बने थे। और रघुवर दास से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, रघुवर दास झारखंड के किस नंबर के मुख्यमंत्री थे। तो झारखंड के 10वें नंबर के मुख्यमंत्री थे रघुवर दास। और रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री किस वर्ष बने थे, 2014 में। और डेट अगर पूछा जाए, डेट भी क्या हो जाएगा, 28 दिसंबर 2014 को झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री बने थे रघुवर दास। और झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री कौन है, वर्तमान में जो हेमंत सोरेन है वे झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री हैं। और रघुवर दास जो है झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है, तो झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास थे। दूसरा सवाल देख लेते हैं, झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है। तो झारखंड का राजकीय वृक्ष पूछा है, तो झारखंड का राजकीय वृक्ष जो हो जाएगा साल हो जाएगा। अगर झारखंड का राजकीय पक्षी की बात करें तो पक्षी क्या हो जाएगा, कोयल। और झारखंड का राजकीय पशु क्या हो जाएगा, पशु जो है हाथी। तो नॉर्मल सवाल था। तीसरा देखते हैं, बेतला राष्ट्र उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो बेतला राष्ट्र उद्यान जो है झारखंड के पलामू जिले में है। और ये सवाल जेएसएससी में ही ना पूछ के यूपीएससी और एसएससी में भी पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है और पलामू को इसको सही माना है सभी ने। अगला है, झारखंड के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री और फॉर्ज स्थित है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फॉर्ज कहाँ पर स्थित है झारखंड, सवाल थोड़ा ऑप्शन गलत टाइप कर दिया, तो यहाँ पर जेएसएससी ने ही गलती किया था। तो यहाँ जिले दिया है, तो जिले के हो जाएगा रांची, रांची जिले में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फॉर्ज, लेकिन यहाँ राज्य का ऑप्शन में दे दिया गया था। अगला पांचवा देखते हैं, झारखंड के किस शहर में हुडको झील स्थित है। अगर पूछा जाए हुडको झील कहाँ पे है, झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है, जमशेदपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। छठा सवाल देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर क्या है। तो 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर जो है 66.41% 66.41% है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और झारखंड का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है, रांची जो है झारखंड का सबसे अधिक साक्षर जिला है। और सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, पाकुड़। अगला सवाल देख लेते हैं, बराकर नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो बराकर नदी का उद्गम स्थल जो है पद्मा है। और पद्मा जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है, पद्मा झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। और पद्मा में ही पुलिस ट्रेनिंग कैंप स्थित है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। अगला है, झारखंड के पलामू जिले में स्थित डाल्टनगंज का नाम किसके नाम पर किया गया है। तो डाल्टनगंज का नाम किसके नाम पर किया गया है, कर्नल एडवर्ड चीतेल डाल्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, कर्नल एडवर्ड चीतेल डाल्टन के नाम पर डाल्टनगंज का नाम किया गया है, डाल्टनगंज। नौवां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित फिल्म स्टार में किसका संबंध झारखंड से है। तो झारखंड से संबंध किसका है, प्रियंका दत्त, अगर प्रियंका चोपड़ा। अगर प्रियंका चोपड़ा पूछा जाए झारखंड में कहाँ से संबंध है, तो इसका सही आंसर क्या होता है, जमशेदपुर से संबंध है इसका। अगला देखते हैं, निम्नलिखित जिलों में से सरायकेला जिला को बनाया गया था। तो सरायकेला जिला को जिला कब एक नया जिला बना है, तो सरायकेला खरसावां एक नया जिला जो है 2001 में बना है। और किससे अलग होकर बना है, पश्चिमी सिंहभूम जिला से। और पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है किस वर्ष से एक नया जिला बना था, अगर उसका भी बात करें तो 1990 में पश्चिमी सिंहभूम एक नया जिला बना, उसके बाद सरायकेला खरसावां जो है 2001 में एक नया जिला बना। 11वां सवाल देखते हैं, 1831-32 में कोल विद्रोह शुरू हुआ था, किसके उसमें मुख्य भूमिका किसने निभाया था, बुद्धू भगत। तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा, बुद्धू भगत। और बिरसा मुंडा जो है मुंडा आंदोलन से संबंधित है। अगला देखते हैं 12वां, झारखंड राज्य में
जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया गया पुरस्कार का नाम क्या है? तो जीवन भर दिया गया झारखंड में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? जीवन भर उपलब्धियों के लिए, सर्वोच्च नहीं, जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया गया पुरस्कार जो है अल्बर्ट एक का पुरस्कार। और झारखंड का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है वो भी जान लीजिए, झारखंड सेवा रत्न। झारखंड सेवा रत्न जो है झारखंड का सर्वोच्च पुरस्कार है और राज्य में जीवन भर उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है अल्बर्ट एक का पुरस्कार। दोनों में कन्फ्यूज नहीं करना है, झारखंड का सर्वोच्च पुरस्कार है झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार और झारखंड में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है अल्बर्ट एक्का पुरस्कार, कन्फ्यूज नहीं करना है। वरुण एरोन का संबंध किस खेल से है? तो वरुण एरोन का संबंध जो है क्रिकेट से है, तो क्रिकेट का सही आंसर हो जाएगा। PMEYYSA का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम हो जाएगा पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान, पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा PMEYSA। 15वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन धन अधिप्राप्ति योजना के बारे में सही नहीं है? तो धन अधिप्राप्ति योजना के बारे में कौन सा सही नहीं है? पहला क्या है सही नहीं है इसका पहचान करना है। यह योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है, यह कथन गलत है, बाकी बात तीनों कथन सही हो जाएगा। झारखंड राज्य खाद्य निगम इस योजना के लिए नोडल एजेंसी है, कथन सही है। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के लिए अनाज उपलब्ध कराना, यह भी सही है। इसके बाद है इसका व्यापक उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना, तीनों कथन सही है लेकिन पहला गलत है, तो पहला सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला है झारखंड में पहला वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया हुआ था? तो रांची में हुआ था, आउटडेटेड ये सवाल हो चुका है, इसको स्किप कर सकते हैं। अगला है झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व स्थित है। अगला देखते हैं जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस को निम्नलिखित में किस वर्ष स्थापित किया गया था? किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1955 में। कब? 1955 में जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस की स्थापना हुई थी, 1955, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत झारखंड सरकार द्वारा कितना प्रतिशत वित्त अनुदान दिया जाता है? तो कितना प्रतिशत? 50% वित्त अनुदान दिया जाता है मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत, 50% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड सरकार की कौन सी योजना के तहत SC OBC या गरीबी रेखा से नीचे के सामान्य वर्ग की कन्याओं को वित्तीय सहायता दी जाती है? कौन सी योजना है? इसकी योजना का नाम है अपनी बेटी अपनी अपना धन। अगला देखते हैं झारखंड के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बतावें जो 1784 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो 1783-85 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तिलका विद्रोह हुआ था। और तिलका मांझी को फांसी कब मिला था? 1785 में। कहाँ पे फांसी मिला था? भागलपुर में। अब 22वां सवाल देख लेते हैं झारखंड में मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2017 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन तो रांची में हुआ था, और लेकिन अभी की दृष्टि से आउटडेटेड सवाल है ये। अगला है भारत सरकार द्वारा चुनी गई स्मार्ट सिटी की सूची में झारखंड के कौन सा शहर है? तो रांची स्मार्ट सिटी के शहर में, रांची में स्मार्ट सिटी बन रहा है, थोड़ा आउटडेटेड फिलहाल है। अगला है GVA सकल वर्धित मूल्य के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा GVA बराबर GDP उत्पादों पर कर प्लस उत्पादों की अनुवृत्ति। अगला है झारखंड राज्य के निम्न में से किस औद्योगिक क्षेत्र ने 2015-16 के लिए अधिकतम विकास दर की प्राप्ति की थी? आउटडेटेड सवाल है, विनिर्माण ने किया था, आउटडेटेड सवाल है, इसको स्किप कर सकते हैं। अगला है ये भी आउटडेटेड सवाल है। 28वां देखते हैं छोटा नागपुर के में किसे मोरांग गोमके के नाम से जाना जाता है? तो मोरांग गोमके के नाम से जयपाल सिंह को जाना जाता है, और जयपाल सिंह से काफ़ी सवाल बनते हैं। जयपाल सिंह का संबंध सबसे पहले जान लीजिए वे किस खेल से संबंधित थे? तो वे हॉकी से संबंधित थे, और इसी के नेतृत्व में 1928 के एमस्टर्डम ओलंपिक में हॉकी टीम ने
गोल्ड मेडल जीता था जयपाल सिंह के नेतृत्व में, और जयपाल सिंह ने आगे चल के राजनीतिक पार्टी का गठन किया, तो उस राजनीतिक पार्टी का नाम क्या था? झारखंड पार्टी। और झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1950 में। और झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह किया था? मुर्गा छा। और झारखंड पार्टी का विलय किस में हुआ था? विलय जो है 1963 में जो हो गया था विलय, इसका किसमें? कांग्रेस में हुआ था। इतने सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है। तो जयपाल सिंह मरांग ओमके के नाम से जाने जाते हैं, वे हॉकी के खिलाड़ी रह चुके थे, और उसी के नेतृत्व में 1928 में एमस्टर्डम ओलंपिक में हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। आगे चलकर 1950 में जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी की स्थापना की, और झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा छाप था, और झारखंड पार्टी का विलय किस में हुआ है? कांग्रेस में हुआ है। कब हुआ? 1963 में। अगला देखते हैं, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत टीम ने कौन कौन से ट्रॉफी जीता है आपको बताना है। T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है, ICC ट्रेड चैंपियन ट्रॉफी और ICC ODI विश्व कप भी जीत चुका है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसवां सवाल, अय्यर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो अय्यर बांध जो है दामोदर नदी पर बनाया गया है, और दामोदर नदी से काफी सवाल पूछे जाते हैं। तो दामोदर नदी है जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी है, तो झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर है। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? दामोदर है। झारखंड की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? दामोदर है। और दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र से निकलती है, और दामोदर नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है, और दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी। तो ये थे सेट 18 में झारखंड GK से पूछे गए सवाल। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए।